हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं बड़े दिनों से गायब हो चुका था, मुझे पता है, बट एनीवेज मैं अभी लौट आ चुका हूँ। सो आज हम लोग एक नए गेम को स्टार्ट करेंगे। इस गेम का नाम है बग डॉल्स सोवियत प्रोजेक्ट। ये एक हॉरर गेम है, ये शायद एक लास्ट हॉरर गेम है जो मुझे दिखा प्ले स्टोर में, जो शायद ग्रैनी या आइसक्रीम का कॉपी नहीं। बट एनीवेज हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी ये गेम क्या है। ऑफकोर्स हम लोग एक घर से स्टार्ट करेंगे और सोवियत है तो साइलेंट का साउंड हमें मिलेगा। A siren is howling since the night and an urgent evacuation signal has been given on the radio. I was on a sick leave for a week with a broken leg and could hardly move. But now, by some miracle, the leg stopped hurting. What? कैसे मिराकल से भाई हमारा लेग ठीक हो गया? स्टार्टिंग ही बड़ा अजीब और अच्छा नहीं है एक्चुअली। ऐसे मिराकल सुना बहुत ही अजीब बात है, मतलब बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। To highlight task markers, press the button on the right of the map and okay, बस game instructions. To view map, click on the map icon. Nice. तो अगर हमें किसी point को mark करना है उसके लिए हमें 200 golds चाहिए। पता नहीं ये कैसा system है पर हम लोग obviously Soviet Union में हैं तो first aid को लेना ज़रूरी है यहाँ पर। Let's see. German invasion on the way. अभी हम लोगों को इस घर से निकलना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ इस घर में कुछ और देखने लायक है या नहीं। इस गेम के डिस्क्रिप्शन में था हमें जो है डॉल से बचना पड़ेगा। यहाँ पर एक की है बाय द वे, यू विल टेक दैट। एंट्रेंस डोर, अच्छा एंट्रेंस डोर लॉक था, मैंने पहले की ले लिया। इनको मैं जानता हूँ ये क्या कर सकते हैं। डोर इज ओपन हुई द की, तो हम लोग इस दरवाजे को खोल चुके हैं उस की से जिसे मैंने अनजाने में लिया था। हम लोग अभी 6th फ्लोर में है एक सोवियत मैंसन के, आई थिंक सोवियत मैंसन के अंदर। सो लेट्स सी, हम लोग को अभी 1st फ्लोर से निकलना पड़ेगा। व्हाट द हेल इज दिस, नथिंग इंटरेस्टिंग। तो अभी हम लोग एक सेकेंड, व्हाट 6th के बाद हम लोग डायरेक्टली नीचे आ गए। बिफोर लीव आई नीड टू टेक द की फ्रॉम द वेयर हाउस ऑन द 1st फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कहाँ पर था भाई? आई थिंक यही 1st फ्लोर है। मैं पता नहीं 6th फ्लोर से इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया। यहाँ पर एक पिक्चर है हमारा दरवाज़ा। यू पिक्ड अप द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, हमारे पीछे का दरवाज़ा बहुत अच्छे से बंद हुआ मैनर्स से। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल। मैंने इस डॉल की तरफ देखा पर पता नहीं कौन डीजे बजा रहा है भाई। स्टॉप दिस डीजे, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आई डोंट केयर अबाउट दिस डीजे एनीमोर। अच्छा ये एक प्रोजेक्टर है जिसके सामने से अगर मैं चलता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। एक्चुअली नाइस जंप स्केयर। और इस डॉल को देखो बस, क्या इसका हेड पहले ऐसा था? नो आई डोंट थिंक सो, बट एनीवेज मुझे पता है ये जिंदा है सो स्टॉप प्रिटेंडिंग। जूस पाउडर या जो भी है, ये रहा वेयर हाउस की। नाइस, अब हम लोगों को इससे किससे निकलना पड़ेगा। ओपन सील्ड इन द स्टोरेज, इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन डॉल्स, सोवियत एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग जाने वाले, प्लीज़ यह से मत हिलना। ऑफकोर्स जंप स्केयर से भरा हुआ हॉरर गेम। दरवाजे को बंद करें बस हमारे सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमेशा दरवाजों को बंद करना चाहिए हॉरर गेम्स में। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। व्हाट द हेल, व्हाट्स दिस, ए कॉफिन, दिस स्ट्रेंज डॉल्स आर एवरीवेयर, व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट द हेल। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं इसने क्या देखा, पर लेट्स सी। कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो चुका था जैसे कि रेजिडेंस एविल में होता है। गो टू द ब्लू मार्कर ऑन द वर्क बेंच, जैसे कि रेजिडेंस एविल में होता है एक जोम्बी ब्रेकआउट, ऐसे कुछ डॉल ब्रेकआउट्स टाइप के कुछ हुए होंगे। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल हैपेंड, क्या हुआ, इसने कुछ किया क्या, मैंने नहीं देखा ना, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज तो मुझे क्या काम था मैं भूल गया, मुझे वर्क बेंच के पास जाना था, राइट। लेट्स सी कहाँ पर है ये पूरा जगह, एक कॉफिन बन चुका है रियली में। इतनी जल्दी ये बना कैसे कॉफिन, हम लोगों को बाद में पता चलेगा। सो लेट्स सी कहाँ पर है वॉक बेंच। डॉल के हेड्स, कम से कम हेड्स नहीं जागेंगे क्योंकि मुझे पता है 10 सेकंड बाद क्या होने वाला है, जो कि हमेशा होता आया है। होपफुली ऐसा नहीं होगा मैं जो सोच रहा हूँ। एक और डॉल, एक सेकेंड, इंसान क्या डॉल बन चुके हैं, क्योंकि ये लोग एक ऐसे पोजिशन पर है जैसे इंसान रहते हैं। आई थिंक कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे साथ। एक सेकेंड, व्हाट द हेल, एक्सक्यूज़ मी सर, आप कहाँ पर जा रहे हैं? ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे लगा बस ये ग्लिच हो रहा है। नहीं 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 नहीं, दिस इज़ रियली बैड। ओ माय गॉड, इसका साउंड देखो, कितना बुरा साउंड है, कितना नेगेटिव साउंड है भाई। छोड़ दे मेरा पीछा छोड़ दे। ओ माय गॉड, ये मुझे हर्ट भी कर रहा है, मैं क्या काम से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गेम ओवर। कितना नेगेटिव, कितना क्रीपी साउंड था भाई। तो हम लोगों को जो है उसको अवॉइड करना था, मैं समझ गया मुझे क्या करना था। और मैं भाग सकता था एक्चुअली। लास्ट टाइम जो है मुझे अपना रनिंग का बटन नहीं दिखा था, तो हमें जो है उस डॉल को अवॉइड करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अगर ये लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो इनसे पीछे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता चल गया।
मैं इस साइड से आया था लास्ट टाइम, सो लेट्स सी, हम लोग अभी सामने जाएंगे एंड देन अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नो सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये अकेला डॉल कैसे चल रहा है और इसका हेड भी नहीं है ऊपर से? अच्छा, तो मुझे इसके पास से निकलना पड़ेगा किसी तरह से। ये क्या रुक गया? ये आई थिंक नहीं रुका, ऑफ कोर्स नहीं रुकेगा। व्हाट द हेल, या पर ये अकेला नहीं, मुझे पता है, तो मुझे इस जगह से जल्दी से निकलना पड़ेगा। सामने एक और डॉल है, सो आई डोंट केयर अबाउट देम एनी मोर। तो भागो बस, होपफुली मैं थोड़ा सा भाग पाऊंगा। 5 सेकंड बाद ये है नहीं करेगा। देखो ये हाया करने लग गया। अच्छा, इस डॉल ने मेरा पीछा छोड़ भी दिया। ये हॉरर गेम के कैरेक्टर के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, हमेशा ये लोग 10 सेकंड इनका लाइफ टाइम होता है रनिंग का। सुधर जा भाई, सुधर जा थोड़ा सा, और ये भी चलेगा। यहाँ पर सारे डॉग स्टॉप मेकिंग नॉइजेस, ऐसे नॉइज को बनाएंगे जैसे ये बिल्कुल मेरे कान के पास खड़े हैं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये चाहिए जो है, प्लीज़ हिलना मत। आई डोंट हैव ए टिकट। ओ माय गॉड, टिकट चाहिए। आप पता नहीं कौन यहाँ पर चल रहा है, मुझे लगा कोई चल रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये इस चीज़ का मुझे डर था कोई अचानक से आके धप्पा देगा, वरना मैं ठीक हूँ पूरा। मुझे बस इस सडन जम्पस्केयर से बिल्कुल पसंद नहीं, जब वो जम्पस्केयर नहीं होता चेस सीन होता है। ओके लेट्स सी, मुझे एक टिकट चाहिए, मुझे पता चल गया। वॉक बेंच के पास हमें जाके बैठना था। डू नॉट मूव ब्रो, कोई हमें फॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स नहीं। सो लेट्स सी, कहाँ पर है हमारा वर्क बेंच? कैंप फायर, इंटरेस्टिंग। एक और जूस मिल चुका है हमें, क्विक यूज़ का ऑप्शन होना चाहिए था अगर हम लोग हील करना चाहे अपने आप को। या पर एक डॉल इस साइड में चल रहा है, पर ये फेंस के इस पार नहीं आ सकता, जो कि बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। फर्स्ट टाइम गेम का कोई लॉजिक मुझे पसंद आया। स्टॉप मेकिंग, ओ माई गॉड, इतना लंबा है, या फिर हाँ ये इतना लंबा है। बेवकूफ, ये फेंस के इस पार नहीं आ सकता। है बेइज्जती। ओके लेट्स सी, सो मुझे कुछ और चाहिए जो कि मुझे मिल नहीं रहा। पिक अप द पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, मुझे नहीं पता किस ट्रांसफॉर्मर को मुझे फिक्स करना है। मैप को ओपन करते हैं हम लोग मैप को ओपन नहीं कर सकते। रियली नाइस, जंप। ओके, एक और पीस आई थिंक। स्टॉप दिस बुलशिट मैन, मैं एक तो नर्वस हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ऊपर से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। घर के अंदर के डॉल्स शायद अभी ज़िंदा हो चुके होंगे, सो रिक्स नहीं लेते बस घर के अंदर जाके। वो पर मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं वैसे भी। कहाँ पर है ये वॉक बेंच, कोई मुझे बता दे भाई। व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट 1366, द इवैक्यूएशन वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान, पीपल बिहेव्ड इनएडिक्वेटली, देयर आर विक्टिम्स। द विक्टिम्स थे यहाँ पे, पता नहीं किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं था, कुछ लोगों को मारना पड़ा इनको। ओके लेट्स सी, ये मेरी तरफ आएगा आई थिंक, क्योंकि इसके ज़िंदगी में तो कोई काम नहीं है, फादरलेस क्रीचर। जा भाई, गेट ए लाइफ। ओके ठीक है, लेट्स सी, हम लोग अभी इस साइड में आएंगे। ट्रांसफॉर्मर का पीस। ओह माय गॉड, मैं कहाँ पर आ गया देखो। सर, कैन आई टेक द वॉडका प्लीज? ऑफ कोर्स नो, दिस इज़ ए नो आई गेस। तो ये रहा ट्रांसफॉर्मर आई गेस। नहीं, इंटरेस्टिंग, इसे ले ले भाई, ड्रामा मत कर। नाइस, तो हमें पाउडर मिल चुका है, पाउडर मिल रहा है तब से। लेट्स सी, इस साइड में जाना क्या सही होगा? आई डोंट थिंक सो, ऊपर से सब कुछ लॉक्ड है। हम लोग एक डेड एंडिंग में, या नहीं, हम लोग घूम नहीं रहे। हाँ हम लोग घूम रहे ऑफ कोर्स, तो हम लोग पूरा घूम फिर के उसी जगह पे आ गए जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये मैप है किस काम का, मैं अगर ओपन नहीं कर सकता इसे तो? यहाँ पर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, सो लेट्स सी व्हाट आई एम मिसिंग। यहाँ पर एक कमीने का बच्चा डॉल घूम रहा है, ये जो भी है, ये क्या सिमेट्री था? यहाँ पर कॉफिन्स या फिर ऐसे क्यों है? प्लस मार्क्स, क्रूज, क्रूसिफिक्स। सो लेट्स सी, एक और पीस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं मैं पूरा ट्रांसफॉर्मर बनाने वाला हूँ आई थिंक। कितने पीसेस और कलेक्ट करने पड़ेंगे, आई हैव नो आइडिया। इस घर के अंदर क्या हम लोग जा सकते हैं? आई थिंक हाँ, क्योंकि यहाँ पर खिड़कियाँ है, पर आई थिंक हमें की चाहिए। ओ नो 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 नो, किसने देखा? नहीं, किसने नहीं देखा, ये बस चल नहीं सकता, तो ये बस रेंगते हुए ड्रामा कर रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? अच्छा, एक पेड़ का पौधा ग्लिच हो रहा था, अच्छी बात है ये अंदर नहीं आ सकता जो रेंग रहा है, क्योंकि फिर हम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। नाइस, ये पर कुछ और भी है, लेट्स सी ये क्या है। रिपोर्ट 1364, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज मेड परचेज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन एन अमाउंट ऑफ 1423 रूबल्स। बहुत चीप अमाउंट है, बट लेट्स सी क्या ऑब्जेक्ट को इन लोगों ने बेचा, प्लास्टिक की तरह
मतलब प्लास्टिक प्राइस में बेच दिया, पता नहीं किस चीज़ को। यहाँ पर हम लोग किसी ड्रॉस को ओपन नहीं कर सकते, अच्छी बात है, हमें ड्रॉस को चेक नहीं करना है। यह जो रेंगने वाला क्रीचर था वो कहाँ पर गया? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, चलने वाला क्रीचर भी है यहाँ पर, और मेरा कैरेक्टर हाफ गया। ओके, हम लोग पहुँच गया, वही चीज़ था जिसका हेड नहीं था, हेड के ऊपर कुछ और लगाया हुआ था, वो हमारे पीछे पड़ गया था, पर हम लोग बच गए किसी तरह से। आई डोंट नो अब मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, सामने ही जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अगर मैं मैप को ओपन कर सकता कितना अच्छा होता। मुझे अपना पॉइंट भी मैप में नहीं दिख रहा और मैं मैप को ओपन भी नहीं कर सकता। व्हाट द हेल, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मैजिक जादूपंथी, आई कांट मूव, मुझे दिख रहा है। ओके, समथिंग इज नॉट ऑल राइट हियर, इट फील्स लाइक आई एम बिकमिंग ए डॉग, व्हाट द हेल, प्लीज नो, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, हम लोग ऑफकोर्स ठीक होंगे। इट्स ऑल गॉन, वेल, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। ओके, मैं डॉल नहीं बना, अच्छी बात है, पर आई थिंक मैं धीरे धीरे डॉल बनता जा रहा हूँ इनके साथ रह के। आई डोंट हैव एन एस्ट्रोलैब, जो भी लिखा था। ओह माय गॉड, मैं पढ़ नहीं सका, इसने, इस एक डॉल ने इतना जोर से चिल्लाया, मैं पढ़ नहीं सका, मैं कन्फ्यूज हो गया। देयर मस्ट बी एन एस्ट्रोलैब समवेयर बट आई लॉस्ट इट्स शिट, वेयर इज द बॉल्बर बॉबल कौन? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मेरा हार्ट अटैक आ गया एक सेकंड के लिए। मैंने अपनी स्क्रीन को ऐसे सेक किया कि मुझे लगा ये डॉल हिलने लगा। मैं इतना डर क्यों रहा हूँ इस गेम को खेलते हुए। एनीवेज, लेट्स सी, इट डोंट हैव एन एस्ट्रोलैब, पता नहीं एस्ट्रोलैब का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि मैंने इस वर्ड को पहली बार सुना। एक और ट्रांसफॉर्मर का पीस, ये पर कोई रिचुअल था आई थिंक। ये देखो, एक पेंटाग्राम है यहाँ पर। क्या ये डॉल इतनी ऊपर तक आ सकती है? डॉल, एक्सक्यूज मी, सो मैं एक चीज़ को टेस्ट करूँगा। ऑफकोर्स ये बहुत बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है मेरा, पर आई विल स्टिल डू दिस। ओ माई गॉड, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया। जम चम 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 चम, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यस, मैं ऐसा क्यों करता हूँ आई डोंट नो, बट ठीक है, हम लोग बच चुके हैं। हाँ हाँ, बेइज्जती तुझसे नहीं होगा भाई, छोड़ दे छोड़ दे। इसके हेड पे क्या है भाई? ये कोई डियर है, रेन डियर है, आई मीन। तो मैं इस जगह से कैसे निकलूँ अभी, क्योंकि ये मुझे फॉलो करेगा। इसका सिंपल सा आंसर है, जस्ट जंप दिस साइड। ओके, यहाँ पर एक और हमें ये मिल चुका है, ट्रांसफार्मर का पीस। मैं पता नहीं कितने घरों को लाइट देने वाला हूँ इसके बाद, मैं शायद ट्रांसफार्मर बनाने वाला हूँ यहाँ पर रहने के लिए। ओके, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर गेट खुला हुआ है तो ये कभी भी यहाँ पर आ सकता है आई गेस। प्लीज़ मत आना यहाँ पर, मैं बहुत गंदे सिचुएशन में हूँ अभी। ओके, ये आएगा ऑफकोर्स कमीने का बच्चा। एनीवेज, मैं निकल चुका हूँ उस सिचुएशन से, क्या गंदा सिचुएशन था। आई थिंक मुझे घर के अंदर जाना पड़ेगा, डू नॉट मूव। हम लोग अभी, सो अभी हम लोग एक छोटे जगह में एंटर कर रहे हैं, देखो बस, मतलब हम लोग अभी दीवार के अंदर है। वार्निंग, टू कंटिन्यू प्लेइंग द सॉल्व मिस्ट्रीज यू नीड टू वेट, व्हाट? तो घर के अंदर हमें साथ कुछ प्रोग्रेस करने के लिए मिलता, पर हम लोग ऐसा कर नहीं सकते। इसके लिए हमें एड्स देखने पड़ेंगे या फिर हमें डोनेशन करना पड़ेगा। वेट, व्हाट? अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे? नो, आर यू सीरियस? पता नहीं मोबाइल गेम वालों का क्या दिक्कत है भाई, हम लोगों का गेम अच्छा चल रहा था पर इन लोगों को पसंद नहीं आया। ओके, इनफ वीडियो बन चुका है 15 मिनट से ज़्यादा। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ऐसे बिहेव करते हैं मोबाइल गेम डेवलपर्स प्लेयर्स के अगेंस्ट। पीसी और प्लेस्टेशन के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें धक्के मार के निकाले जाएंगे, पर ऑफकोर्स मोबाइल है तो कोई कुछ भी करेगा, और इसलिए मोबाइल में सबसे ज़्यादा लोग मॉड का यूज़ करते हैं। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों ने इस गेम को एंजॉय किया होगा। ये गेम शायद बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, हमें सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा, और मैप भी कुछ खास छोटा नहीं है। तो बेसिकली जितना मुझे पता चला, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट का सीन था, जैसे रेजिडेंस एविल में होता है, एक वायरस या कुछ ब्रेकआउट हो गया था। पेंटाग्राम का चीज़ मुझे समझ नहीं आया, कोई डिमोनिक कल्ट भी हो सकता है, एक हॉरर गेम है इसलिए। एनीवेज, अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, हम लोग ऐसे गेम्स खेलते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।